हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली नर्सिंग से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है या फिर कोई न्यू वैकेंसी आती है तो आप सभी को यहाँ पर मैं टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम फिर से एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर जो अपडेट है वो देने वाला हूँ। यानी कि बात करेंगे हम SGPGI की जो परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ कुछ चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मेरे पास बहुत ही बड़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए, तो मेरा विचार ये था कि आप सभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि SGPGI की तरफ से मेरे को यहाँ पर बड़ी अपडेट मिली है और उस अपडेट को आप तक पहुँचाना ज़रूरी है कि SGPGI परमानेंट वैकेंसी लेके आ रहा है 2024 के अंदर। ठीक है, यानी कि 2024 के अंदर आपको SGPGI की परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी करने वाले हैं। वीडियो के बारे में जरूर कम्प्लीटली यहाँ पर चर्चा करेंगे, वैकेंसीज की एक एक डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दें। ठीक है, जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो उन कैंडिडेटों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको टाइम से जो अपडेट है वो आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। देख लीजिए, SGPGI स्टाफ नर्स या नर्सिंग सिस्टर यानी कि सिस्टर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी www.sgpgims.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी डिटेल्स होती है ऑफिशियल अपडेट वाली यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगी। बात करेंगे पोस्ट के बारे में, डिटेल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाला हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन करवा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, यानी कि SGPGI UP की तरफ से जो आपको वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी नेम के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो वैकेंसी नेम आपका रहने वाला है स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिए पोस्ट आपको कितनी दी गई है, ये सिर्फ आपको एक परफॉर्मा दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर मैं परफॉर्मा दिखा रहा हूँ, वैकेंसीज के बारे में आपको यहाँ पर बोल के या लिख कर आपको बताता रहूँगा न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो ये तो एक परफॉर्मा है कि आपको सैलरी क्या रहने वाली है, इस चीज़ के बारे में सारी अपडेट आपको यहाँ पर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है 1800 से लेकर आपकी 2000 तक की जो अपडेट है वो मेरे पास आई है कि 1800 से लेकर 2000 के बीच में आपको जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये वैकेंसी कितनी हो सकती है, 1855 हो सकती हैं या 1900 भी हो सकती हैं या फिर 1800 से 10-20 कम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एवरेज आपकी बताई गई है 1800 से 2000 के बीच में आपकी जो वैकेंसी है वो पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है SGPGI की तरफ से। ठीक है, सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो SGPGI की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी मिलती है, 44,900 रुपये बेसिक रहता है, 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो पहुंच जाती है। लेकिन इसके अंदर जो बेसिक सैलरी की जो कि तुरंत लगते ही, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि सर जैसे ही हमने ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग करने के बाद में जो सैलरी है वो कितनी आती है, तो मैं आप सभी को बता दूं ज्वाइनिंग करने के बाद में सैलरी आपकी 80,000 से लेकर 83,000 तक आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलती है, इन हैंड आपकी सैलरी आती है तुरंत ज्वाइन करते ही। ठीक है, उसके बाद में बात करें ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए www.sgpgims.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो वैकेंसी है या पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर आपको भरी जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो देख लीजिएगा SGPGI स्टाफ नर्स असिस्टेंट ग्रेड की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसके लिए आपको GNM वाले कैंडिडेट हैं या फिर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टाफ नर्स की पोस्ट के देख लीजिए BSc जो होम्स कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग जिन कैंडिडेटों ने कर रखी है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, GNM वाले कैंडिडेटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरवाएगी। ठीक है, तो आपके पास 2 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा, क्योंकि जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए आपके पास INC का आपके पास क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका INC होगा, INC का होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है। तो इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर रहने वाली, यानी कि कम से कम आप 18 साल के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम बात करूँ तो 45 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कितना रहने वाला है। तो ये देख लीजिए, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात करूँ कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उसके लिए आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या रहने वाला है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करें सैलरी के बारे में, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर दी है कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि इसके अंदर पोस्ट हैं आपकी कब तक आएंगी, इनकी वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, कोई भी वैकेंसी रहे, ठीक है, तो वैकेंसी में ये सबसे बड़ा रोल रहता है कि जो पोस्ट है आपकी कब तक आने वाली है या पोस्ट आपकी कब तक जारी की जाएंगी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, आपकी जो पोस्ट है वेरी सून, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जारी करने से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर ऑफर रहने वाला है, भर्ती आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर रहने। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको वैकेंसी है इनकी सबसे बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है कि SGPGI की तरफ से आपको फिर से यहाँ पर 2024 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है 2023 के अंदर भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई थी, और इस वैकेंसीज के अंदर डायरेक्टली काफ़ी सारी पोस्ट थी, दो टाइम आपके यहाँ पर जो पोस्ट है आपको देखने को मिली थी, जिसके अंदर एक पोस्ट आपकी 905 की यहाँ पर रहने वाली थी और दूसरी पोस्ट आपकी 1974 यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ठीक है, लेकिन अब फिर से ये सुनने में आ रहा है और रेगुलरली ये न्यूज़ आ रही है कि SGPGI की वैकेंसी आपको फिर से 2024 के अंदर देखने को मिलेगी, पोस्ट आपकी यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर जो डिटेल में हम बात करेंगे पोस्ट आपकी यहाँ पर ठीक ठाक रहेंगी। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए पहुंचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको वैकेंसी है इनकी सबसे बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है कि SGPGI की तरफ से आपको फिर से यहाँ पर 2024 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है 2023 के अंदर भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई थी, और इस वैकेंसीज के अंदर डायरेक्टली काफ़ी सारी पोस्ट थी, दो टाइम आपके यहाँ पर जो पोस्ट है आपको देखने को मिली थी, जिसके अंदर एक पोस्ट आपकी 905 की यहाँ पर रहने वाली थी और दूसरी पोस्ट आपकी 1974 यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ठीक है, लेकिन अब फिर से ये सुनने में आ रहा है और रेगुलरली ये न्यूज आ रही है कि SGPGI की वैकेंसी आपको फिर से 2024 के अंदर देखने को मिलेगी, पोस्ट आपकी यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर जो डिटेल में हम बात करेंगे पोस्ट आपकी यहाँ पर ठीक ठाक रहेंगी। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए पहुंचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको वैकेंसी है इनकी सबसे बड़ा ऑफर आपको मिल रहा है कि SGPGI की तरफ से आपको फिर से यहाँ पर 2024 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है 2023 के अंदर भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई थी, और इस वैकेंसीज के अंदर डायरेक्टली काफ़ी सारी पोस्ट थी, दो टाइम आपके यहाँ पर जो पोस्ट है आपको देखने को मिली थी, जिसके अंदर एक पोस्ट आपकी 905 की यहाँ पर रहने वाली थी और दूसरी पोस्ट आपकी 1974 यहाँ पर देखने को मिल गई थी। ठीक है।